हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत आज दोपहर 3 बजे से होने वाली है। और दोस्तों, भारत ने अपनी प्लेइंग 11 भी घोषित कर दी है। दोस्तों, इन सब की नॉलेज आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार से खेला जाएगा। मुकाबले की पूर्व संध्या पर ही भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी। टीम में जडेजा और अश्विन दोनों को जगह मिली है। दोनों निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। रोहित और शुभमन पारी की शुरुआत करेंगे। मध्य क्रम में पुजारा, विराट और राणे हैं। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी पंत पर होगी। वे ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। तेज गेंदबाज के रूप में 100 से ज्यादा टेस्ट खेल चुके ईशांत के साथ शमी और बुमराह है। ईशांत की जगह युवा सिराज को मौका देने की बात हो रही है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराज ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन अनुभव और टेस्ट चैंपियनशिप की फॉर्म की वजह से ईशांत को मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया दौरे के पहले टेस्ट के बाद से शमी टेस्ट क्रिकेट से दूर है। बुमराह भी वापसी कर रहे हैं। जडेजा भी ऑस्ट्रेलिया में चोटिल होने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ बाहर थे। अक्षर ने उनकी जगह खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें 15 सदस्यीय टीम में भी जगह नहीं मिली। प्लेइंग 11 में शामिल 5 गेंदबाज पहली बार साथ खेलेंगे। अब दोस्तों, भारत के प्लेइंग 11 के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली जो कप्तान है, रहाणे, पंत जो विकेट कीपर है, जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। बुलंद हौसलों के साथ उतरेगी न्यूजीलैंड। दोस्तों, ये हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताते हैं। न्यूजीलैंड ने पिछले हफ्ते इंग्लैंड को टेस्ट में हराया था, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। तेज गेंदबाज बोल्ट, साउदी, जेमिसन, वैगनर सबसे मजबूत कड़ी है। भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड दौरे पर इनका मुकाबला भी नहीं कर सके थे। अब दोस्तों, इसके ऊपर विराट कोहली ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। विराट कोहली ने कहा कि एक मैच से टीम को बेस्ट नहीं कह सकते। मैच को लेकर कप्तान कोहली का कहना है कि कोई भी टीम एक मैच से बेस्ट नहीं हो सकती। जो खेल को समझते हैं वो जानते हैं कि मैच से आप किसी टीम बेस्ट नहीं कह सकते। हमारी जीत हार से क्रिकेट नहीं रुकने वाला। अब दोस्तों, एक और हम फैक्ट आपको बताने वाले हैं। न्यूजीलैंड के पास एक ही आईसीसी ट्रॉफी है, वो भी भारत को हराकर ही जीती थी। अब दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरी डिस्क्रिप्शन बताते हैं। न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक आईसीसी ट्रॉफी है, साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी। फाइनल मुकाबले में कीवी टीम ने भारत को 4 विकेट से हराया था। भारत 2003 के बाद न्यूजीलैंड से आईसीसी इवेंट के मैच नहीं जीत सका। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में हुए वर्ल्ड कप में जीत हासिल की थी, तब सौरव गांगुली की कप्तानी में कीवी टीम को हराया था। इसके साथ ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 1975 के बाद इंग्लैंड में नहीं जीत सकी है। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड से इंग्लैंड में ही हार मिली थी। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हैसन ने क्या कहा उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने कहा, ये जरूरी था कि हम स्वाभाविक खेल खेलें, दूसरे देशों की नकल की कोशिश ना करें। अब दोस्तों, ये उन्होंने क्यों कहा उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की हालिया सफलता अविश्वसनीय रही है। टीम 6 साल में 3 ICC टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंची। 2015 और 2019 वर्ल्ड कप के बाद अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। न्यूजीलैंड क्रिकेट के कोचिंग स्टाफ द्वारा अपनाई गई नीतियों की बदौलत टीम इस मुकाम तक पहुंची। एक शख्स जिसने टीम के उदय में बड़ी भूमिका निभाई वो है माइक हैसन। पूर्व मुख्य कोच और चयनकर्ता हेसन के नाम न्यूजीलैंड के लिए सबसे लंबे समय तक कोच बने रहने का रिकॉर्ड है। 46 साल के हेसन 6 साल तक कोच रहे। उन्होंने इस छोटे से आइलैंड नेशन के क्रिकेट परिदृश्य को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। पेश है उनसे बातचीत के अंश। उनसे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब आप कोच बने तो न्यूजीलैंड क्रिकेट को लेकर आपके दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया। वह कौन सी सीरीज थी जब आपको लगा कि न्यूजीलैंड का खेल बदल रहा है। जब उन्होंने बताया, हम सभी ने महसूस किया कि हम एक टीम के रूप में अपनी प्रतिभा का अधिकतम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने खेल की शैली को पहचानने की जरूरत थी, जो टीम के रूप
में हमारे लिए अनुकूल हो और हमारा प्रतिनिधित्व करे। यह जरूरी था कि हम अपने तरीके से अपना स्वाभाविक खेल खेले, दूसरे देशों की नकल करने की कोशिश ना करें। मुझे लगता है कि हम में 2013 में घरेलू सीरीज के दौरान सुधार होना शुरू हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया, बतौर न्यूजीलैंड कोच और सिलेक्टर आपकी फिलोसॉफी क्या रही जिसने घरेलू क्रिकेट से खिलाड़ियों को चुनने में मदद की? उन्होंने उत्तर था, चयन एक प्रोसेस है। व्यक्तिगत रूप से जब मैं किसी खिलाड़ी को न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनता हूँ तो सारा असेसमेंट करता हूँ कि उस खिलाड़ी में सफल होने के गुण है या नहीं। उस खिलाड़ी के एक खराब मैच या एक खराब सीरीज से उसके बारे में हमारे विचार नहीं बदलते। अगर उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर ली जाती है तो सफलता के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपको लगता है कि बतौर कप्तान मैकुलम और बतौर कोच आपने जो नींव रखी थी यह सफलता उसी का परिणाम है? उन्होंने आंसर दिया, सफलता का श्रेय सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाना चाहिए। मौजूदा टीम में कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने खुद को देश के अब तक के बेहतरीन खिलाड़ियों के रूप में स्थापित कर लिया है। मेरे समय पर मैकुलम और विलियमसन को स्पष्ट तौर पर ज्ञात हो गया था कि हम कैसी टीम चाहते हैं। यह देखना शानदार है कि टीम कैसे लगातार आगे बढ़ रही है और सफल हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया, आप सबसे लंबे समय तक न्यूजीलैंड के कोच रहे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले ही चले गए, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, राष्ट्रीय टीम का कोच होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे आपको तब तक निभाना चाहिए जब तक आप इसके लिए सक्षम हो। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने दिया, लेकिन जब मुझे लगा कि अब मेरे पास टीम को देने के लिए कुछ नहीं है तब मैं आगे बढ़ गया ताकि कोई और आकर टीम को आगे ले जा सके। जुलाई 2018 में गैरी स्टीड ने जिम्मेदारी संभालने के बाद बहुत उत्कृष्ट काम किया है। फिर उनसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्टीड ने आपके अच्छे काम को आगे बढ़ाया, क्या न्यूजीलैंड का दबदबा आने वाले भविष्य तक कायम रहेगा जब मौजूदा खिलाड़ी नए खिलाड़ियों को रास्ता देंगे? जब कोच ने कहा, कोच की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिलेक्शन प्लान होता है। गैरी ने हाई परफॉर्मेंस टीम के साथ मिलकर टीम को संभालने और तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के भीतर खिलाड़ियों की बहुत बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए हम खिलाड़ियों का विकास बेहद स्मार्ट तरीके से करते हैं, उन पर फिजूल का दबाव नहीं डालते। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इफेक्ट मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर जीके की वीडियो भी डाल रखे हैं और इसी के साथ साथ हमने भारत के वीर पुत्रों की हिस्ट्री भी डाल रखी है, तो आप वो सारे वीडियो देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।